ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप लोग जो है इजीली वीडियो देखने के बाद जाके डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम में किसी भी क्रिएटर का कोई भी फोटो पसंद आता है और आप चाहते हो कि गाइस आप भी वैसी फोटो एडिट कर पाओ, तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट आपको उस कमेंट बॉक्स में जाना है एंड उस फोटो की कमेंट बॉक्स में आपको @ करके आपको मेरे को मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद जो है मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए एंड गाइस मैं आप लोगों के लिए जो है मैं इसका ट्यूटोरियल ला कर दे दूंगा। तो गाइस आप लोग बस एक छोटा सा काम कर देना, बाकी आपको वीडियोज जो है मिल जाएंगी। एंड बाकी गाइस अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं आप लोगों के लिए उसकी भी वीडियो ला दूंगा। तो बाकी गाइस अगर अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है गाइस आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल का जो है बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा है ताकि गाइस आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। एंड अगर अदरवाइज अगर किसी भाई को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2-3 वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप उनमें से कोई भी वीडियो के देख लेना आपको इजीली समझ आ जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना हाउ टू बैकग्राउंड इरेज, आपको इजीली वहाँ पर आप काफ़ी भाइयों ने वीडियो बना रखी तो बता देंगे। फिर क्या गाइस आपको जो है अपनी फोटो में जो भी वेस्ट पार्ट होगा उसको इरेज कर लेना, जैसे गाइस मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट ताकि जो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं इसको फटाफट इरेज करता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। एंड गाइस अगर आपके जो मॉडल है उसके शूज़ अगर मतलब इस टाइप से आप अगर आपके भी हो कटे हुए तो आपको क्या करना है, आपको इरेजर टूल में जाके आपको हार्डनेस ओपेसिटी कम करके इसे नीचे से आपको छोटा थोड़ा थोड़ा इरेज कर देना है। एंड उसके बाद आपको डन नहीं करना है फोटो को, ठीक है। अभी आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक ब्लैक कलर की शीट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से रख देना है। एंड इरेजर टूल में जाकर आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, साइज इंक्रीज करना है एंड फोटो जूम करना है एंड इस टाइप से आपको यहाँ पे शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ, अगर आपको किसी और अदर टाइप से आता है शेडो बनाना तो आप उस टाइप से बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर आपको शेडो कैसे बनानी है, देन आपको जाना इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके इसको आपको करना मूव डाउन एंड इसकी जो ओपेसिटी आपको यहाँ पे कर लेना कम, ठीक है। तो उसके बाद आपको अभी भी डन नहीं करना है, आपको जो अपने मॉडल है जो आपका मॉडल उसका डुप्लीकेट करना है एंड इसको आपको कुछ इस टाइप से रखना है। एंड उसके बाद आपका जो मॉडल है उसको आपको लेके जाना है यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है, एफएक्स वाला जो ऑप्शन है उसमें ले जाना है। एंड उसमें ले जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। कलर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, आपको इसका अमाउंट जो है 0 कर देना है एंड ऊपर से मर्ज कर देना है। देन आपको लेना है यहाँ पे नेगेटिव वाला ऑप्शन, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड जाना आपको इरेजर टूल में, इरेजर टूल में जाने के बाद जो है गाइस आपको साइज बड़ा करके एंड उसका जो मतलब कि भाई जितना भी एरिया सबको इरेज कर लेना है पहले एंड उसके बाद साइज को लेना है एंड उसके बाद जो है आपको अपने हिसाब से यहाँ पे साइज को रखना है, ठीक है, जितना आप चाहो उतना रख सकते हो। एंड जो गाइस साइड में जो आपको मून दिख रहा है इसमें रखा हुआ है तो उसके हिसाब से आपको उसका रिफ्लेक्शन बनाना है, यानी कि एक रिम लाइट क्रिएट करनी है आपको अपने यहाँ पे, तो आपको कुछ इस टाइप से रिम लाइट बनानी है, ठीक है। तो आप इस टाइप से बनानी है एंड इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, तो उस वीडियो को भी चाहो तो जाके देख सकते हो। तो अभी हम इसको यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं रिम लाइट एंड उसके बाद अभी देखेगा यहाँ पे हमारा बन चुका है। तो अभी ये देखेगा जितना खास दिख नहीं रहा है तो अभी क्या करेंगे हम इसका एक डुप्लीकेट करेंगे। एंड अब गाइस डुप्लीकेट करने के बाद ज़्यादा दिख रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे हम इसकी ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेंगे थोड़ी सी। एंड गाइस अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है। फिर इसको करते हैं आप डन। अब गाइस आपको ये करना, आपको जाना ऐड फोटो में एंड उसमें गाइस आपको एक ब्लर ग्रास की पीएनजी मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना, आपको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है एंड उसके बाद आपको इसको नीचे की साइड रख देना है, तो इससे क्या है कि फोटो में जो है काफ़ी अच्छा सा एक लुक आएगा। तो इससे क्या है कि हम इसको यहाँ पे डन करते हैं अभी। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, आपको अपनी यहाँ पे फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेके चलना है लाइट रूम ऐप में। अब इसमें हम करेंगे कलर रिटच, तो आपको यहाँ पे लाइट रूम ऐप में ओपन करना है, तो हमने फोटो यहाँ पहले से ऐड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, आपको जाना पहले शेडो वाले ऑप्शन में, जो मतलब शेडो होगी आपकी फोटो में तो उसको इंक्रीज कर देना है ताकि आपका मॉडल जो अच्छे तरीके से एकदम दिखाई दे। फिर कॉन्ट्रास्ट वाले में जाना ऑप्शन में, आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट जो है प्लस कर देना है थोड़ा एंड जो हाईलाइट है इसको थोड़ा कम करना है एंड जो व्हाइट है इसको भी थोड़ा कम करना है एंड जो ब्लैक है इसको भी कम करना है। फिर जाना आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है और फोटो में जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पे ब्लू टोन की तरफ लाना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको थोड़ा कम करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर आपको जाना है ऐसे येलो कलर में, ठीक है, एंड इसका जो ह्यू है इसको माइनस करना है एंड जो सैचुरेशन है इसको यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ग्रीन कलर में, इसका सैचुरेशन आपको बिल्कुल माइनस कर देना है।
एंड उसके बाद आपको जाना डार्क ब्लू में। अगर आपकी फोटो में ज़्यादा टोन ब्लू टोन आ रहा हो तो आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है एंड ह्यू को आपको माइनस कर देना ताकि स्काई ब्लू टोन आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना, आपको जाना कलर के नीचे वाले टूल में, आपको हमें फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है। फोटो में जो नॉइज रिडक्शन मतलब फोटो में जो विग्नेट है वो डालना है आपको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फोटो में विग्नेट डालना है एंड उसके बाद आपको मिला ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ाना है एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज करना है एंड फोटो में जो नॉइज रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगी आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली आप देख सकते हैं गाइस जो हमारी फोटो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ उससे किसी नए वीडियो में, तब तक क्लिक गुड बाय।